उत्तराखंड के एक गांव में रमना बैरानी अपनी सास के साथ रहती थी। कम उम्र में ही उसकी शादी हो गई थी। शादी के बाद ही उसका पति हुमायूं की फौजी में भर्ती होने चला गया। सास और बहू में काफी प्रेम था। वे दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी। सास घर का काम करती और रमना बैरानी बाहर गाय बकरी को चराने और खेती बाड़ी का काम संभालती थी। रमना बैरानी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। उसकी याद में वह काफी उदास रहती। वही हाल उसकी सास का भी था। बुढ़ापे में बेटे के दूर रहने की चिंता उसे खाए जा रही थी। वे दोनों ऐसे ही अपने दिन काट रहे थे। देखते देखते 11-12 साल बीत गए और रमना बैरानी का पति नहीं लौटा, ना उसने अपनी खबर भेजी। रमना बैरानी को यकीन था कि उसका पति एक दिन जरूर वापस आएगा। एक दिन रमना बैरानी तपती गर्मी में खेतों पर काम करते करते थक गई। उसने आसपास के खेतों में नजर दौड़ाई। बाकी औरतें घर जा चुकी थी। काम में मग्न रमना बैरानी को खबर ही नहीं लगी कि सब औरतें कब चली गई। काम और गर्मी से वो काफी थक चुकी थी और प्यास से उसका गला सूखने लगा। उसने सोचा, थोड़ा ही काम बचा है, पूरा करके ही जाती हूँ। वो काम में लगी ही थी कि पीछे से उसे कोई आवाज आती सुनाई दी। उसने देखा कि एक साधु अलख निरंजन अलापता हुआ उसी की तरफ आ रहा है। साधु रमना बैरानी को देख उसके समीप आ उससे उसका परिचय पूछता है। रमना बैरानी कहती है, मैं रावतों के खानदान से हूँ और मैं बहुत बड़े सेठ की बेटी हूँ। मैं इस गाँव में अपनी सास के साथ रहती हूँ। मेरे ससुर का देहांत हो चुका है। साधु, और तेरा पति कहाँ है? रमना बैरानी, मेरे पति कई सालों से परदेश में है और मैं अपने दिन उसकी याद में काट रही हूँ। साधु, क्यों उस निर्मोही के बारे में सोचकर दुखी हो रही हो जिसने इतने सालों से तेरी खोज खबर नहीं ली और तो और ना उसे अपनी माँ की याद आई? रमना बैरानी को साधु की बात पसंद नहीं आई। उसने उसे अनसुना कर दिया और अपना काम करने लगी। साधु ने फिर उसे टोकते हुए कहा, क्यों अपनी ये अमूल्य जवानी उस निर्मोही के याद में बर्बाद कर रही है? चल बैरानी, हाँ में बैठ कर अपना मन हल्का करते हैं। और वह रमना बैरानी को छूने की कोशिश करने लगा। रमना बैरानी ने दूर हटके साधु से कहा, क्या तुझे मेरे सिर का ये सिंदूर और नाक की नख नहीं दिखती? एक औरत से यह किस तरह की बात कर रहा है? रमना बैरानी ने फिर धमकाते हुए कहा, तू जोगी है या ढोंगी? जोगी है तो जा यहाँ से, आगे से यहाँ दिखा भी तो देख लूंगी तुझे। साधु मुस्कुराते हुए, अरे तू तो नाराज हो गई बैरानी, क्या गाली देना रावतों को शोभा देता है? तू काम करते करते थक गई है, चल छाव में बैठ, आराम मिलेगा, मेरे साथ अपना सुख दुख भी बांट लेगी। रमना बैरानी का पारा चढ़ गया। वो बोली, निर्लज, शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? सुख दुख बांटने का इतना ही मन है तो जा अपनी माँ बहन के साथ बांट। रमना बैरानी की बात सुनकर साधु हंसने लगा। रमना बैरानी, चुपचाप यहाँ से चले जा, ये देख रहा है ना कुदाली, यह तेरे सर में दे दूंगी। रमना बैरानी का गुस्सा देख साधु वहाँ से भाग गया। वो उसके गाँव पहुँचा। वहाँ रमना बैरानी के घर पहुँचकर उसकी सास से भिक्षा मांगने लगा। माता जोगी को भिक्षा दे दे, तेरा भला होगा और 12 साल से खोया हुआ तेरा लड़का घर लौट आएगा। यह सुन रमना बैरानी की सास साधु के चरणों में गिर गई और साधु को अपने घर के अंदर ले गई। रमना बैरानी की सास ने साधु को आसन में बिठाते हुए कहा, साधु बाबा, आप बाहर क्या कह रहे थे कि मेरा लड़का 12 साल बाद घर लौट आएगा? साधु हंसते हुए, पर माँ, भूखे पेट भजन न हो, सुबह से भूखा हूँ, पहले भोजन फिर और बातें। रमना बैरानी की सास, साधु बाबा आप बैठो, मैं भोजन चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। इतने में रमना बैरानी भी खेत का काम करके आ गए। अपने आंगन में उसी साधु को बैठा देख रमना बैरानी को फिर गुस्सा आ गया। उसने साधु से कहा, अरे कपटी, तू मेरे घर तक पहुँच गया? बहू की आवाज सुनकर सास बाहर आई। उसने पूछा, बहू क्या हुआ? बहू ने बताया, माँ ये कोई साधु नहीं कपटी है। सास ने बहू से कहा कि एक साधु के बारे में ऐसे नहीं बोलते, तू अंदर जा और भोजन परोस, मैं आती हूँ। रमना बैरानी ने भोजन परोसा, सास को बुलाया। सास भोजन लेकर साधु को देने लगे। साधु ने देखा कि भोजन पत्तों में परोसा है। साधु बोला, ये क्या, अब मैं पत्तों में भोजन करूंगा? मुझे उसी थाली में भोजन दे जिस पर रमना बैरानी का पति भोजन करता था। साधु का इतना कहना ही था कि रमना बैरानी का पारा अब से ज्यादा चढ़ गया। वो गुस्से में पूरी लाल हो गई थी। वो बोली, तूने अपनी निष्ठा की हद पार कर दी है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? रमना बैरानी के गुस्से का यह रूप देखकर साधु भौचक्का रह गया। उसने साधु का चोला उतारा और माँ के पैरों में गिर गया।
और बोला, माँ पहचानो, माँ पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा बेटा हूँ बीरू, और रमना मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे प्रेम और इंतजार की परीक्षा ली, तुम्हारे पतिव्रत प्रेम और निष्ठा को दुनिया हमेशा याद रखेगी। तब से रमना बोरोनी के किस्से पूरे उत्तराखंड में सुने और सुनाए जाते हैं। तो दोस्तों आप हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। ये कहानी एक उत्तराखंड की लोक कथा थी। तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।